Hello everyone. Now today in this video we will read the 7th poem of class 7, Mystery of the Talking Fan from Honeycomb book, and composed by Maude Robin. So first of all, we knew about the composer of this poem. Maude Robin was born 25th of June 1891. He was a great poet. He wrote 4 novels and 56 short stories, and in this poem the poet closely observing the movement of ceiling fan, and he think about the ceiling fan chattering and the noising, and he want to talk with us. वो बताते हैं कि जो ये फैन होते हैं, सीलिंग फैन जो है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो चलते हैं तो बहुत आवाज आती है, तो उस आवाज की क्या वजह है, वो हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं. सो नाउ लेट स्टार्ट द पोएम. Once there was a talking fan, electrical hiss chatter. The poem opened with the personification of the fan. Personification that means the figure of speech, and personification जो है आपका figure of speech है, उसमें हम किसी निर्जीव फैन आपका जो है क्या है नॉन लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि उसकी तरह मान के चलते हैं. तो जो सीलिंग फैन है उसको क्या लेके चल रहे हैं, एक मैन की तरह. सो द पोएट कंपेयर टू द फैन विद अ ह्यूमन बींग बींग गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स सच एज द एबिलिटी टू टॉक एंड द चैटर. जिस तरीके से ह्यूमन में बोलने की और कुछ करने की क्षमता होती है, ठीक वैसे ही वो फैन को भी उसे कंपेयर कर रहे हैं. आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड. द पोएट कॉल्स दैट फैंस नॉइज एंड द इलेक्ट्रिक चैटर. द पोएट इज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंस व्हाट एक्जैक्टली इट द मीन, एंड बिफोर द पोएट कुड सक्सीड. वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो जो फैन है वो क्या कहना चाहता है. आई कुडंट अंडरस्टैंड I unable to comprehend to what exactly it means. कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आखिरकार वो फैन मुझसे क्या कहना चाहता है. And I hope it doesn't matter for doesn't because somebody one day somebody oiled. Now the poet say the next line. When I succeed in the recording the mystery of the fan, then next suddenly somebody oiled. इट मोटर एवर सीन्स इन फंक्शन. तभी अचानक से उसकी मोटर पे, जो फैन है उसकी मोटर पे किसी ने ऑयल डाल दिया. हिज लिटिल ब्रिंकलिंग मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. ही रन एज स्टील एज वाटर. नाउ द पोएट सेज द पोएट कुड सक्सीड इन द डेकोरेट द मिस्ट्री. समबडी ऑयल्ड इट मोटर एवर सीन्स इट फंक्शनल इन सच अ स्मूथ मैनर दैट नो नॉइज कुड बी हेयर द टॉकिंग फैन टेल साइलेंट. वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं उसकी मिस्ट्री को समझना चाह रहा था कि आखिरकार फैन मुझसे क्या कहना चाहता है. व्हेनेवर आई सक्सीड इन द डोके इन द डेकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ द फैन बट समबडी ऑयल्ड इट मोटर. तभी किसी ने उसकी मोटर पे ऑयल डाल दिया. एंड इट द फंक्शन इज सच ए स्मूथ मैनर. अब जो है जो फैन है वो बहुत अच्छे से चलने लग गया. दैट नो नॉइज कुड बी हेयर. अब उसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. द टॉकिंग फैन टेल साइलेंट. तभी वो बोलता हुआ पंखा बंद हो गया. सो इन दिस पोएम डिस्क्राइब अबाउट द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द टॉकिंग ऑफ द फैन एज लाइक अ ह्यूमन बींग. ही कंपेयर टू द फैन गिवन ह्यूमन एक्सटेंट सच एज द एबिलिटी टू टॉक एंड द चैटर्स. द पोएट कॉल्स द फैंस नॉइज एंड इलेक्ट्रिकल चैटर and the poet is unable to comprehend what exactly it means, and before the poet could succeed in the decoding the mystery of fan but somebody oiled it little motor ever since in functioned in such a smooth manner that no noise could be heard the talking fan tell silent. अब जब पोएट समझना चाहिए, जस्ट पोएट बोलते हैं कि वो जो पंखा हमारा सीलिंग फैन है फैन था वो खुला नहीं था. मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, और जब मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की तभी अचानक से एक दिन किसी ने उसकी छोटी सी मोटर में ऑयल डाल दिया. ऑयल डालने के बाद उसके फंक्शंस बहुत स्मूथ चलने लगे, और स्मूथ चलने की वजह से अब उसमें से किसी तरह की कोई नॉइज नहीं आती है. फैन में से किसी तरह की कोई नॉइज ना आने की वजह से मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता है. सो आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम. इट्स वेरी लिटिल एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, बिकॉज व्हेन द फैन noise chatter then the poet think about the fan is talking something. So thank you.